बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं गर्ल्स, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश पाश होंगे। अल्लाह ताला मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, YouTube फैमिली को हंसता बस्ता खुशबाद रखे और आप लोगों के रिस्क में खैर बरकत अदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आपकी जो प्यारी नन्ही शहज़ादियाँ, उनको हमेशा सेहत वाली, तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उनके नसीब बहुत अच्छे लिख दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी प्यारी प्यारी सी मदद, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल बास्केट ऑफ ट्रेंड। तो आज की वीडियो में आप लोगों को गोटी के साथ ढेरों ढेर डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। तो चाहे आप लोग शरारे बनाएं, गरारे बनाएं, स्लीवलेस बनाएं, फुल स्लीव वाले बनाएं, प्यारे प्यारे साथ कोई भी दुपट्टे बनाएं, जैकेट स्टाइल में बनाएं, तो हर तरह के ड्रेसिस के ऊपर गोटी किस तरीके से लगानी है उसके आइडियाज़ आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। प्लेन ड्रेस के आइडियाज़ भी हैं और प्रिंट के भी हैं। तो भाई आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, कोई भी अगर गर्मियों में फंक्शन आ गया तो गोटी जाना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। हल्की फुल्की सी भी होती है, लाइट वेट सी होती है, ज़्यादा मतलब जिस तरह स्टोन वर्क होता है उस तरह हैवी नहीं होती, तो देखने में भी सच में जाना वो फैंसी टच आ जाता है। तो इतनी ज़्यादा क्वालिटियाँ जो ना वो किसी काम ही लेस में होती हैं, बाकी जो ना वो हैवी हैवी सी तारों वाली होती हैं। तो आप लोग ये कि गोटी जो है ना वो डिफरेंट लाइनें लगा सकती हैं, डिफरेंट वेज में अप्लाई कर सकती हैं, जिगजैग स्टाइल में लगा सकती हैं, वर्टिकल लगा सकती हैं, बिल्कुल सीधी लगा सकती हैं, दो दो लगा सकती हैं, तीन लगा सकती हैं, या फुल शर्ट के ऊपर आप लोग लाइनिंग कर सकती हैं। माँ बेटी ने अगर सेम बनाना है उसके भी मैंने दो तीन डिज़ाइन ऐड कर दी हैं ताकि दोनों जना वो बिल्कुल सेम डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं। फ्रॉक के ऊपर किस तरीके से आप लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है, शरारे के ऊपर किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है, सिंपल सी कुर्ती शलवार बनानी है उसके ऊपर आप लोग गोटी किस तरीके से अप्लाई कर सकती हैं। तो बाकी ये कि जो आइडिया आप लोगों को पसंद है ना वो आप लोग किसी और प्रिंट पे भी बना सकती हैं, किसी और फैब्रिक पे भी बना सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग लॉन पे ही बनाएं। तो आगे जो है कि ऐसा ऐसा वेदर चेंज हो रहा है, तो आप लोगों को अगर कोई डिज़ाइन पसंद है ना तो स्क्रीन शॉट लेके अपने पास संभाल के रखें। तो कोई भी आप लोग फोल्डर बना लें, उसमें ये होता है कि अगर गोटी वाले ड्रेस हैं तो उसका फोल्डर का आप लोगों ने गोटी वाले ड्रेस जो है ना वो नेम लिख के सेव कर लेना है। अगर ट्राउज़र के डिज़ाइन आप लोगों ने सेव करने हैं तो आप लोगों ने फोल्डर पे ट्राउज़र लिख लेना है। तो इस तरह ये कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, आप लोगों का टाइम सेव हो जाता है। तो इस तरह ये होता है कि आप लोगों को जो भी डिज़ाइनिंग चाहिए होती है ना उस फोल्डर से आप लोग ईजिली ले सकते हैं। तो चले जी, खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखा करें, ना अपना खून जलाएँ ना दूसरों को जलाएँ, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और स्वीट सा कभी कभी कमेंट भी कर दिया करें। अच्छा लगता है आप लोगों का जो पॉजिटिव फीडबैक होता है ना वो देख के ज़रा एनर्जी आती है और मज़ीद अच्छा काम करने को दिल करता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।